हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक नया लेयर फार्म कंस्ट्रक्शन हो रहा है 11,000 बर्ड्स का, 11,000 बर्ड्स, जो कि इसका लंबाई है 225 फुट, यानी कि 225 फुट, और जो चौड़ाई है वो 36 फुट, ठीक है, 36 फुट चौड़ाई है। जो कि इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो पिलर है वो खड़ा हो चुका है। और चलिए, इसका आगे हम वीडियो का बात करते हैं पूरी डिटेल में। तो वीडियो में अगर नया आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर इस चैनल में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी और भी नए वीडियोस जो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो चलिए आगे वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जो ये 11,000 बर्ड्स का जो फार्म है, इसमें पिलर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुका है। पिलर्स की अगर बात करें तो ये पिलर जो है वो 10 इंच का जो है वो राउंड पिलर है, और ये जो ज़मीन में आप देख रहे हैं पिलर नीचे, तो नीचे अगर बात करें तो 2.5 से 3 फुट इसका जो है वो ज़मीन से नीचे गया हुआ है पिलर, और ये इसके जो पिलर की हाइट है वो करीबन 7 फीट हाइट है। इसका जो है पिलर का हाइट है वो 7 फीट है, ऊपर ज़मीन से ऊपर 7 फुट है, और उसके बाद यहाँ पे 7 फुट पे वो जो है जो इसका स्लैब है वो उसका ढलाई होगा। और आप देख रहे हैं कि दोनों साइड जो साइड के पिलर्स हैं उस पे हमने हर 20 फुट पे एक एक्स्ट्रा साइड में जो है पिलर दिया हुआ है सपोर्ट के लिए, ताकि जो है उसे थोड़ा सा मजबूत हो। चूँकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा पिलर्स नहीं यूज़ किया है, कि थोड़ा पिलर्स को कम यूज़ किया है, ताकि इसमें खर्च भी थोड़ा कम हो और शेड भी थोड़ा मजबूत रहे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये पूरा शेड का जो पिलर्स है वो रेडी हो चुका है। दोस्तों, अगर शेड के दिशा की बात करें तो शेड का जो दिशा है वो लंबाई में पूर्व से पश्चिम की, और इसका जो है वो लंबाई है, और उत्तर दक्षिण जो है इसकी चौड़ाई है, यानी कि ईस्ट वेस्ट लेंथ हो गया, और नॉर्थ साउथ में इसका विड्थ हो गया। तो ये फार्म जब भी बनेगा, लेयर फार्म हो या फिर ब्रॉयलर फार्म, उसमें लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर ही रहेगा, और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई होगा, क्योंकि सूरज का जो रोशनी है वो आपका जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है जब। तो ये फार्म अगर पूरब से पश्चिम की दिशा में रहेगा तो ये जो सूरज का रोशनी होगा वो धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा तो वो शेड के ऊपर से क्रॉस हो जाएगा, और शेड के अंदर जो है वो धूप या गर्मी नहीं घुसेगा। दोस्तों, अगर इस फार्म में हम पिलर्स की दूरी की बात करें तो एक से दूसरा पिलर की जो दूरी है वो 10 फुट है, और इसमें जो साइड में जो डबल पिलर्स आप देख रहे हैं वो हर एक पिलर छोड़ के दूसरे पिलर पे जो है वो डबल किया गया है, यानी कि हर 20 फुट पे डबल पिलर किया गया है। दोस्तों, अगर फार्म के प्लेटफार्म की बात करें तो ये जो प्लेटफार्म, इसमें आप सेंटरिंग देख रहे हैं, ये सेंटरिंग के ऊपर जो है प्लेटफार्म की चौड़ाई 3 फुट होगी, और जो है उस पे जगह जगह पर जो है हर 5 फुट पे स्टैंड के लिए जो है वो एंगल भी दिया जाएगा। तो ये हमारा फार्म कंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लें, पहला पार्ट मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।